Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस के मुखिया सुलखान सिंह के तमाम निर्देशों के बावजूद यूपी पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। ताजा मामला मैनपुरी जिले के कोतवाली थाना इलाके का है, जहां पर करहल गेट चौकी पर तैनात दरोगा किरण पाल सिंह की दबंगई देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक दरोगा ने दबिश देने के दौरान आरोपी दरोगा किरण पाल सिंह ने वहां मौजूद शख्स को जब पकड़ना चाहा, उसी दौरान एक महिला बीच में आ गई, जिसके बाद दरोगा ने महिला से अभद्रता शुरू कर दी। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने बना लिया और वायरल कर दिया। तीन दरोगा आए थे, एक सिपाही आए थे, वो सत्तारू पी के आए थे और अंदर घुस गए जबरदस्ती की। हमने कहा क्या बात है, क्या बात है, बात तो बताइए। अब कुछ नहीं बताया, इस बार साली साली करके बात करने लगे और कहा कि ये इसको ले जाएंगे, ले जाए मैंने अभी नहीं ले जाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या साली तू चुप हो जा, नहीं तो तुझे मारेंगे और जेल करा देंगे। इस तरीका से बातें कर रहे थे और हमारे हाथापाई भी थी। महिला के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद एएसपी ओम प्रकाश सिंह ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। कल रात को वांछित चल रहा था 8 मरीज से, उसके दबिश के लिए सब इंस्पेक्टर करल गेट चल गया था, तो वहाँ पर उस पुरुष ने और महिलाओं ने उसके साथ हत्या की। उस पर दोनों पक्षों में हॉटवॉक हुई है कि वांछित था, उसकी गिरफ्तारी के लिए गया था वो। जहाँ तक भत्ता की बात है, इस संबंध में हम जाकर जांच कराएंगे कि ये भत्ता की बात प्रकाश में आती है तो कार्रवाई। बहरहाल जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि दारोगा पर महिला का आरोप कितना सही है और कितना गलत। एक्सपोज इंडिया के लिए मैनपुरी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।